हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, लोशन क्या होता है। ये भी एक मोनोफेजिक लिक्विड जो फॉर्म का पार्ट है, जिसमें हम बताए थे आपको इंटरनल एक्सटर्नल। तो जो हमारा इंटरनल पार्ट ख़त्म हो गया था, जिसमें सीरप, एलेक्जर्स, मिक्सचर्स और लिंक्टस था, ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब आज हम देखेंगे एक्सटर्नल में जो अप्लाई ऑन द स्किन में यूज हो रहा है, उसमें एक लोशन है और एक लिनिमेंट्स है, जिसमें हम लिनिमेंट्स और लोशन के बारे में देखेंगे। तो फर्स्टली हम जानेंगे लोशन होता क्या है। लोशन जो है हमारे बॉडी पे अप्लाई किया जाता है ऑन द स्किन, सरफेस ऑफ स्किन, एंटीबैक्टीरियल के लिए भी यूज किया जाता है, स्किन पे जो रफनेस ऑफ स्किन जो हो जाता है उसको भी ख़त्म करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठंडियों में बहुत लोग जैसे यूज करते हैं। लोशन हमारे कई टाइप्स के आते हैं, एक मेडिकेटेड भी आते हैं, एक नॉर्मल भी आते हैं, सिंपल भी आते हैं। मेडिकेटेड जो होता है, जैसे SKBL लोशन हो गया, ये लोशन क्या है, कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जबकि एक हमारे बॉडी लोशन होता है, वो भी एक लोशन ही होता है जो हम ठंडियों में अक्सर यूज करते हैं, क्योंकि स्किन के क्या होता है, रफनेस हो जाता है, और रफनेस के साथ साथ स्किन पे बहुत सारे मतलब रैशेस आने लगते हैं, तो उसमें भी उसको हम यूज करते हैं। तो फर्स्टली जो हम ये लोशन देख रहे हैं, ये हम मेडिकेटेड लोशन देख रहे हैं, जो हम ये जो एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, लोशन होता क्या है इसका डिफिनेशन देखेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, और स्टोरेज कंडीशन क्या होगी। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो भी इसमें एरर होगी उसको हम सही करेंगे। ओके, देन आई हम लोशन के बारे में देखेंगे। ओके, अब लोशन क्या होता है, लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशन क्या होता है, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन होता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, स्किन पे इसको हम यूज कर रहे हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन स्किन विदाउट फ्रिक्शन, लोशन क्या है, ये एप्लीकेशन ऑन द स्किन विदाउट फ्रिक्शन, इसको हम क्या बोल देंगे, लोशन। डिफिनेशन ऑफ लोशन क्या होगा, लोशन आर लिक्विड प्रिपरेशन विच आर यूज इन द स्किन विदाउट फ्रिक्शन, मतलब विदाउट फ्रिक्शन हम जो स्किन पे यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लोशन बोल देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि लोशन का एक्शन क्या है। लोशन में भी यूज्ड फॉर लोकल एक्शन, लोकल एक्शन मतलब क्या है, एज ए कूलिंग, सूथिंग या प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी। लोशन के बाद क्या होता है, कूलिंग में अभी बताया था ना, कूलिंग प्रॉपर्टी होती है और प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है लोशन के पास। ओके, सूथिंग मतलब जो अपना स्किन पे जो रफनेस आ गया है उसको स्मूथ कर रहा है, उसको हम बोल देंगे सूथिंग। ओके, अब हम लोशन में क्या कौन, तो इसमें एक हमारा है केलामाइन लोशन और एक है सेलिसिलिक एसिड लोशन, एक है सेलिसिलिक एसिड लोशन और एक है केलामाइन लोशन। तो इसका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे कि इसको कैसे हम इन द लैब एंड फार्मा इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लेते हैं, केलामाइन, केलामाइन को लेते हैं, उसके बाद जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइड, सोडियम सिट्रेट, लिक्विड फिनॉल, ग्लिसरीन और रोज वाटर, ये सब हम लेते हैं। क्या करते हैं कि सोडियम सिट्रेट जो है, जो सोडियम सिट्रेट है, इसको हम क्या करते हैं, रोज वाटर में डिजॉल्व करते हैं। किसमें डिजॉल्व करते हैं, रोज वाटर में, किसको, सोडियम सिट्रेट को रोज वाटर में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन बना रहे हैं। अब उसको क्या कर रहे हैं, केलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइड को क्या कर रहे हैं, जो केलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइड को अब इस सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, ट्राइचुलेट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ मोटर एंड फिशल। मोटर और फिशल के सहायता से सोडियम सिट्रेट और रोज वाटर जो हमने बनाया है, उस सोल्यूशन में हमने क्या कर रहे हैं, केलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटेनाइड को क्या कर रहे हैं, ट्राइचुलेट कर रहे हैं, ट्राइचुलेट। देन जो लिक्विड पैराफिन है, जो लिक्विड फिनाल है, सॉरी, जो लिक्विड फिनाल है, लिक्विड फिनाल, इसको क्या कर रहे हैं, उसमें
ट्राइचुलेट करते करते उसमें क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं। हम ट्राइचुलेट भी कर रहे हैं और उसमें धीरे धीरे ऐड भी कर रहे हैं। उसके बाद से लास्ट में हम ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्लिसरीन ऐड कर रहे हैं। ग्लिसरीन इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि स्किन को क्या करे, स्मूथनेस प्रदान करे। क्या करे? स्मूथनेस प्रदान करे। तो इसलिए हम लास्ट में क्या करेंगे, ग्लिसरीन ऐड करेंगे। और देन इसमें क्या करेंगे, प्यूरिफाइड वाटर से इसका वैल्यूम मेकअप कर लेंगे। जितना वैल्यूम हमें लेना होता है उसको वैल्यूम मेकअप कर लेंगे। वैल्यूम मेकअप करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेवल्ड करेंगे। लेवल्ड करने के बाद डिस्पेंस। प्रेशन इसका देख लिया था, अब हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लोशन एंड इसका जो है स्टोरेज कंडीशन क्या है और लेबलिंग क्या है और इसमें कंटेनर में किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। अब हम एडवांटेज में इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है, फर्स्ट एडवांटेज है हाइड्रेटिंग ड्राई स्किन। अभी हमने बताया था कि लोशन का यूज करते हैं जब स्किन पे क्या होता है, रफनेस हो जाता है। रफनेस क्या हो जाता है, जब स्किन में हाइड्रेटिंग हो जाता है, ड्राई हो जाता है स्किन। क्या होता है उसमें, जो लोशन सॉरी जो स्किन में क्या होता है, मॉइस्चर नहीं रहता है। मॉइस्चर रहने का मतलब क्या है, स्किन में मॉइस्चर नहीं रहता है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब जो वाटर का कंटेंट होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लोशन के यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोशन है जो स्किन क्या होता है, रफनेस होता है, जो रफ स्किन होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कई ऐसे स्किन है जो ठंडियों के दिन में क्या होते हैं, ऊपर से लगते हैं स्किन छोड़ने, रफनेस हो जाते हैं, उसके लिए भी लोशन का यूज किया जाता है। इचिंग के लिए, इचिंग के लिए भी यूज किया जाता है। और इचिंग के साथ साथ ये जो है एंटी बैक्टीरियल के लिए भी यूज किया जाता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल में एसकेबियोल लोशन आता है। एसकेबियोल लोशन आता है जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट इसके अंदर रहते हैं, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है या फिर कोई भी फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एसकेबियोल लोशन का यूज करते हैं। अब एक है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन में भी इसका यूज करते हैं स्किन ग्लोइंग के लिए। स्किन क्या हो गया, ज़्यादा वो हो गया है, डल हो गया है, तो ग्लोइंग के लिए भी क्या करते हैं, लोशन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इम्प्रूविंग स्किन इलास्टिसिटी, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपका स्किन में डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेटेड रहेगा, जब हाइड्रेटेड स्किन रहेगा, जब इसमें मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, स्किन ऑलरेडी इलास्टिसिटी होगी, उसमें थोड़ा सा तनाव आएगा। और जब स्किन में मॉइस्चर कम हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्किन में रफनेस हो जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा, मतलब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में नो इफेक्ट फॉर ड्राई टू ड्राई स्किन। मतलब ये कह रहा है डिसएडवांटेज में, अगर इसका डिसएडवांटेज एक है लोशन का कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन हो गया है तो उस कंडीशन में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर करेगा ही नहीं स्किन पे, मतलब उतना वर्क नहीं कर पाएगा जितना एक नॉर्मल स्किन के करेगा। ओके, अब हम देखेंगे कंटेनर्स। कंटेनर मतलब किस टाइप का कंटेनर, इसको लोशन जब बनता है तो उसको हम रखते हैं। जैसे आप लोग देखे ही लोशन, एसकेबीएल लोशन आता है तो किस टाइप का कंटेनर में आता है, या फिर नेविया, लैक्मे, ये सारे लोशन आप देखे होंगे, जो बॉडी लोशन आता है वो भी कैसा कंटेनर होता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लिखा है लोशन शुड बी डिस्पेंस्ड इन कलर्ड फ्लूटेड बॉटल्स। कलर्ड होना चाहिए, फ्लूटेड बॉटल होना चाहिए। जैसे एसकेबीएल लोशन आता है क्या, फ्लूटेड बॉटल है अपना, नेविया या फिर उस क्या बोलते हैं उसका लैक्मे का आता है, या फिर BLCC का भी आता है, बहुत सारे लोशंस आते हैं, बॉडी लोशंस, उसमें क्या फ्लूटेड बॉटल्स होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे लेबलिंग। कोई भी लोशन अगर होगा तो हम उसमें किस टाइप के लेबलिंग करेंगे, इसमें पहला लिखा रहेगा एक्सटर्नल फॉर यूज ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, समझ रहे हैं। एक्सटर्नल यूज वाला मतलब ये होता है, एक्सटर्नल यूज का मतलब ऊपर स्किन पर, ऑन द स्किन। इंटरनल मतलब हो जाएगा बाय द माउथ कैविटी, या ओरल मतलब हो जाएगा बाय द माउथ कैविटी, इंटरनल मतलब होता है बाय द IV, मतलब IV इंट्रावेनस हो जाएगा। एक्सटर्नल मतलब होता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, मतलब स्किन पे हम जो यूज कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, इसको हम केवल एक्सटर्नल यूज में यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एक और इसमें दिया है सेक वेल बिफोर यूज, इसको क्या करते हैं सेक भी करते हैं वेल बिफोर यूज। आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे स्कबियोल लोशन आता है उसमें क्या होता है, उसमें इतना विस्कस होता है कि जो विस्कस मटेरियल होता है वो नीचे शट डाउन हो जाता है और ऊपर जो ऊपर बनता है वो केवल वाटर का लेयर बनता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए सेक करना चाहिए, सेक करने के बाद यूज करना चाहिए। एक नेविया है और लेक्मे का भी लोशन है, तो इन दोनों में डिफरेंट बताते हैं। जो नेविया का लोशन है वो थोड़ा ज़्यादा विस्कस है, बट जो लेक्मे का लोशन है वो थोड़ा कम विस्कस है, वो बहुत ही यूजफुल है हाइड्रेटेड स्किन के लिए। उसमें क्या होता है थोड़ा सा सेक करके आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और जो लेक्मे का वो है लोशन है वो ज़्यादा यूजफुल भी है, हम ये नहीं कह रहे कि नेविया वाला ख़राब है, वो भी सही है, बट ये जो लेक्मे का है ये पता नहीं चलता है या स्किन के पोर जो होते हैं उससे मतलब बंद नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो आज का हमारा ये लोशन जो है टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लिनिमेंट्स के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।